दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है और यहाँ खास जलवायु पाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ जीवों का विकास संभव हो पाया। जलवायु परिवर्तन विश्व के बड़े संवेदनशील मुद्दों में से एक है, जो आने वाले समय में एक ऐसी समस्या बन जाएगी जिसका समाधान ढूंढना लगभग असंभव होगा। तो जलवायु परिवर्तन क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है हमारे जीवन के लिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। फरवरी 2023 में समुद्र का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया, जिससे पृथ्वी के ध्रुवों पर जमा बर्फ काफ़ी तेजी से पिघल रही है, जिसमें समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। यह दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। यूरोपियन जलवायु परिवर्तन एजेंसी C3S के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 12 महीनों में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की, जो काफ़ी खतरनाक है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए। महज 102 साल पहले हमारे पृथ्वी की जलवायु काफ़ी अच्छी थी, पर ऐसा क्या हुआ इन 100-200 सालों में तो जलवायु इतनी नाटकीय ढंग से बदल रही है। इस परिवर्तन के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है CO2। औद्योगिक जगत ने वायुमंडल में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ठूस ठूस करके भर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रांति से मानव जीवन सुधरा, पर इसकी कीमत हमारे पृथ्वी को चुकानी पड़ रही है, जिसकी वजह से आज हम जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 1 लाख सालों में 2024 सबसे गर्म साल होने वाला है। तापमान बढ़ने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वैश्विक स्तर पर इस टॉपिक पर बातें तो होती हैं, पर उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाता। महासागरों ने फरवरी 2024 में तापमान का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो 21.06 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जो अगस्त 2023 में 20 के करीब था। महासागर जितने गर्म होंगे उतने ही तूफान आएंगे। महासागर ही पृथ्वी को गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यदि महासागर ही गर्म होने लगे तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का परिणाम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों पर होगा, चाहे वो समुद्र में रहते हों या फिर ज़मीन पर रेंगते हों। यूरोपियन एजेंसी C3S के पास 1979 से अब तक महासागरों के तापमान का रिकॉर्ड मौजूद है। नासा के आंकड़ों के मुताबिक महासागरों के बढ़ते जल स्तर का कारण इनका गर्म होना है, क्योंकि पानी गर्म होने पर फैलता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक बदलाव समुद्र के भीतर होगा। बहुत सारे जीवों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। पृथ्वी नए दौर से गुजरेगी और आने वाले समय में पृथ्वी पर नए तरह के जीव रहेंगे जो ऐसे वातावरण में अपने आप को ढाल पाएंगे। चूंकि यह परिवर्तन हमें धीमा नजर आता है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पर इसका प्रभाव व्यापक पैमाने पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी देश बातें तो करते हैं, पर उसके लिए कोई अस्थायी कदम कभी नहीं उठाता, जिससे ये सिद्ध होता है कि हम इस परिवर्तन को कभी नहीं रोक पाएंगे और यह होकर रहेगा।